अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज महिला पुलिस थाने के सामने महिला मंडल के कारकुनान ने एहतजाज करते हुए सीमा इनामदार पर कार्रवाई का मुतालबा किया। हासिल इत्तला के मुताबिक तबस्सुम इनामदार ने अपने शोहर आसिफ इनामदार पर पिछले 12 सालों से ज्यादती करने का इल्ज़ाम लगाते हुए आसिफ इनामदार ने दूसरी शादी की है और घर में अपनी बीवी तबस्सुम इनामदार पर हमला किया जिसमें वो जख्मी हुई। बाद में तबस्सुम को जिला अस्पताल में जेर इलाज रखा गया है। आसिफ इनामदार सरकारी मुलाजिम है। इसने सीमा इनामदार से दूसरी शादी करने की बात कही जा रही है। कुछ तस्वीरों को अपने बेटे के मोबाइल पर शेयर भी की है, ऐसा भी बताया गया। वाजा रहे कि आसिफ इनामदार और तबस्सुम इनामदार की शादी हुए 23 साल हुए हैं। तबस्सुम ने अपने शोहर के जरिए हमले के बाद फरियाद दर्ज की, लिहाजा पिछले कुछ दिनों से आसिफ गायब था। लेकिन जब पुलिस को इत्तला हुई कि आसिफ और सीमा लॉज में है तो वहां पुलिस दस्ते के साथ पहुंचकर इन्हें हिरासत में लिया गया। तबस्सुम अपने पर हो रही ज्यादती पर इंसाफ की गुहार लगा रही है। बेलगाम शहर में जब इस वारदात का तस्करा हुआ तो शहर के कुछ महिला मंडल और सामाजिक खिदमत अंजाम देने वाले ख्वातिनों ने महिला पुलिस थाने के सामने सीमा इनामदार के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि जब खुद सीमा इनामदार अपने आप को महिलाओं की फला बहबूदी के लिए लड़ने का दावा करती है तो एक खातून के घर को क्यों तोड़कर अपना घर बसाया, लिहाजा मामला अब पुलिस थाने पहुंचा हुआ है। कांग्रेस महिला शोबे की आयशा संधी ने इस मामले को रियासती सतह पर उठाने की बात कही है और तबस्सुम इनामदार को इंसाफ दिलाने की मांग भी की है। खैर, मामला सिर्फ एक वाकये का नहीं है। इस पर अगर पूरी तरह से नज़र डालने की कोशिश करें और गौर किया जाए तो बेलगाम शहर में इस तरह की वारदातों की एक भरमार देखी जा रही है। बेलगाम शहर और अतराफ में बढ़ते मियां बीवी के मसाइल और कई महिला मंडलों की चहल पहल शहर में देखी जा रही है। जहां घरों को बसाने की कोशिश करनी चाहिए, वहीं घरों में तफरका करने के लिए कई महिला मंडल सरगर्म होने की भी बात कही जा रही है। अब तो कुछ लोगों ने इसे कारोबार बना लिया, यहाँ तक आखिर सेटलमेंट कर मामले को रफा दफा किया जाता है। अक्सर लोगों को इन मामलों में तजर्बा नहीं होता तो जितनी रकम बोलते हैं उतनी अदा करना लाजिम हो जाता है। दूसरी तरफ वकीलों में भी आजकल मियां बीवी के बढ़ते तलाक वलाक के मामले कमाई का जरिया बनने की बात सामने आ रही है। तीसरा पहलू जो इन तमाम वारदात की असल कड़ी है, नकली और कुछ फर्जी मौलानाओं ने निकाह तलाक वलाक का दफ्तर ही बना रखा है। आखिर कौन होते हैं लोग जिन पर माशरे में बेदारी मुहिम चलाने की जरूरत है। पहले ही मुश्किलों से घिरे इस माशरे में हर तरफ मफाद परस्ती, मादा परस्ती, ऐश परस्ती, खुदगर्जी ने चारों तरफ से इस माशरे को घेर लिया है। घरेलू मामले, घरेलू झगड़े, तलाक खुलाका तो एक तरह का सैलाब देखने को मिल रहा है। पहले तो घरों में किसी तरह का कलह कहीं पर भी देखा नहीं जाता था और अगर रहता भी तो बहुत मामूली वारदात होती थी और समेट भी लाया जाता था। लेकिन अब हर तरफ इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं। जरूरत है घर के जिम्मेदारों को किसी तरह का कलह ना हो, इस पर भी सभी को तवज्जो देनी चाहिए। वालिदैन बजाय बेटी को झगड़े के लिए उकसाने के सुलह की कोशिश करनी चाहिए। मियां बीवी में समझदारी होनी चाहिए, पर मौजूदा दौर में जहनी बीमारी में मुबतला नौजवान नस्ल छोटी छोटी बात पर उलझते देखा जाता है। जाहिर है पढ़ी लिखी लड़कियों भी इसे बर्दाश्त नहीं करती और अगर करती भी है तो वालिदैन, बहन भाई या घर के दिगर लोग फ़ोन के जरिए उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर दरार और वसी करते हैं और फिर यही मामला किसी महिला मंडल के दरवाजे पर आ पहुंचता है तो वहां भी इसी जहनीत के लोग पाए जाते हैं। कुल मिलाकर माशरे की खस्ता हालात का अगर दहकता मौजू कुछ है तो वो मियां बीवी इख्तलाफात है। हालात और संगीन बनने से पहले जमात जिम्मेदारान शहर के काजियों को इस पर बैठ कर तबादले ख्याल करना ज़रूरी है, वरना हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। इतना ज़रूर है एक महिला के लिए लड़ रहे हैं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट अधिकारी, एक सोशल वर्कर सीमा इनामदार, उनकी बीबी ने सीमा इनामदार के पास कंप्लेंट दिया था कि हमारा हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा है और उसको ख़त्म करके दो। तो उन्होंने ख़त्म करने का छोड़ के उन दोनों के बीच में खुद वो आके शादी की है। वो जो महिला है उनके घर वाले हमारे पास अर्जी दिए हैं। मैं बोलना चाहती हूँ, आज हम सोशल फील्ड में हम उतरे हैं, बोले तो हम महिलाओं के लिए लड़ने के लिए उतरे हैं, ना कि उस महिला को हम और टॉर्चर दे और उसका बुरा करे बोल के हम
स्पीड में नहीं उतरे हैं। आज हम ही किसी महिला के ऊपर दौचन्य करने लगे तो आज हमारे पास कोई भी नहीं आएगा अपना दुख सुनाने के लिए, कोई महिला नहीं आएगी दुख सुनाने के लिए। मैं आज कहना चाहती हूँ सीमा इनामदार, आप इतने महिलाओं को सुरक्षा दिए बोलते हैं, इतना महिलाओं के लिए लड़े बोलते हैं, लेकिन आपने एक औरत का घर तोड़ा है अपने। आज आप दूसरों के, आज आप अपनी बहनों को रुका के धमकी दे रही हो, मेरे पीछे इतने लोग आए उतने लोग आए, ये तुम्हारा गलत फहमी है और पुलिस वाले तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। कोई आया तो उसके साथ चार चार शादी हुए करके तुम बोल रही हो, तो कोई भी आज तक बेलगाम शहर में कोई ऐसा काम नहीं किया है और ना ही करेगा, और तुमने किया है ना, तुम किसी महिला के लिए लड़ने के काबिल नहीं हो। शर्मनाक बात है ये, शर्मनाक। लोग आज बोल रहे हैं कि किसी का घर बसाते हैं बोल के, यही लोग घर तोड़ते हैं करके आज लोग बोल रहे हैं, पब्लिक नहीं पूरा कर्नाटक भी बोलेगी आज, क्योंकि किसी महिला का घर तोड़ना हमारा काम नहीं, किसी महिला का घर जोड़ना हमारा काम है। अगर ये महिला को इंसाफ नहीं मिला तो हम पूरे राज्य में इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। कुछ भी कर लो हम छोड़ेंगे नहीं। सीमा इनामदार ने हमारे साथ बात करते हुए ये कहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये किस बिना पर दावा कर रहे हैं? मैं एक बात बोलती हूँ, कानून से तो ये बड़े नहीं है, और चोर कभी चोरी करता है तो मैं चोरी किया हूँ करके बोलता है क्या? चोर चोरी किया है तो कोई गलत किया है करके बोलता है क्या? नहीं बोलता है। कौन से कानून से उन्होंने करेक्ट किया है वो हमको वो दिखाए। उनका कहना है कि शरीयत के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से उनकी बीबी शरीयत से वही चलना चाहती है, तो उनकी बीबी ने क्या उनको इजाजत दी है निकाह करने की? क्या बिना उनके इजाजत से उन्होंने निकाह किया? अगर उनकी इजाजत से वो निकाह करते तो सही है करके बोलते थे। कि अभी जो उनकी बीवी है वो एक्स है, ये उनकी प्रेजेंट बीवी है कह रही है, वो अपने आप को प्रेजेंट। ये देखो मैं एक बात बोलती हूँ, कोई भी ऐसे ही बोलेगा क्योंकि इनको आदत है एक्स और फर्स्ट बोलने की आदत है। वो एक्स कौन है और फर्स्ट कौन है वो पता चलेगा, बहुत बार एक्स होते हैं और फर्स्ट भी होते हैं, ये सभी कहानी हमको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है हमको। और कोई महिला बोलती है तो उनके दो दो शादी हुई है, किसी का पति मरा तो वो बेवा है करके कोई शादी करके लिया होगा, ऐसे तो किसी का केस लग के जाने के बाद शादी नहीं किया है कोई और ना ही करेगा। किया तो भी इसकी जिंदगी बनाने वाले बहुत सारे लोगों ने बनाया है। वो मौलाना कौन है जो भी? वो मौलाना के ऊपर भी केस होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, ऐसे ही मौलाना के लोगों की वजह से चार चार शादी करके हमारे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, उस मौलाना के ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए, उसके घर के सामने भी जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आसिफ इनामदार की वाइफ तबस्सुम इनामदार, मेरी शादी को 23 साल हो गए और मेरे दो लड़के हैं, बड़ा बेटा 21 साल का है और छोटा वाला जो है ना 16 साल का है, और मेरे शोहर जो है ना मुझे 12 साल से इतना परेशान कर रहे हैं, दूसरी शादी करने के लिए बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। अभी आठ दिन से मोबाइल स्विच ऑफ करके गायब हो गए थे, फिर अचानक से जो है ना जुमेरात को आए, जुमेरात को मेरे बेटे को मैसेज किए कि बेटा मैंने दूसरी शादी कर ली है, मेरा बेटा बेंगलुरु में रहता है, फिर उसको फोटोज़ भेजे, फिर बाद में वो बेटा जो है ना फिर वो मुझे बताया, तो घर में परेशानी हो गई। फिर वो जुम्मा के रोज़ हमारे घर पर आए, वो ऑटो लेकर आए थे, ऑटो में कोई थे और वो, फिर मुझे लगा कि ऑटो गया, मुझे लगा ऑटो गया करके, फिर मैंने डोर ओपन की, फिर आए तो अचानक से मुझ पर हमला किया और कहने लगे तू अभी इस घर में नहीं रहना, मैं दूसरी को लेकर रहने वाला और तू निकल इस घर से करके, मेरे साथ मार धाड़ शुरू किए, मार धाड़ करके फिर हाथ को ये सब चाकू लगा क्या चाकू? हाँ, फिर जो है ना मुझ पर ऐसे गला दबा के दीवार को मार दिए, दीवार को अकेले थे घर में, मैं मेरा बेटा था वो जुम्मा का वो नहा रहा था, फिर बाद में जोर से चिल्ला के मैं बेहोश होकर गिर गई, फिर वो बेटा आके देखा तो पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं बोले, तो वो भाग कर गए,
फिर वो बेटा मुझे ना इधर हो गया इधर, हाँ कैसे है वो नहीं पता। अभी देखो मैं इतना, एक्चुअली मैं 20 साल से इनका जुल्म सह रही हूँ। मैं मेरे हस्बैंड का क्या नहीं की, सब कुछ करती थी मैं। मैं एक बहुत अच्छी बीवी बनकर रही, मगर वो एक अच्छे शोहर बनकर नहीं रहे कभी, और हमेशा मुझ पर जुल्म करते थे। अभी बच्चों की एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम दोनों बच्चों की, कितने बार समझाएं फिर भी नहीं माने, इतना बड़ा ये करके लाए कांड। ना उनको बच्चों की फिक्र है, ना बीवी की, ना घर की। बच्चे कितने? दो बच्चे हैं, लड़के दो। दो लड़के, छोटे वाला तो अभी उसका 10th का बोर्ड एग्ज़ाम चल होने वाला है, उसके भी फिक्र नहीं है। वो सिर्फ अपने आप में मगन और सिर्फ औरतों में रहते हैं। अभी दूसरी शादी करने की बात भी कही जा रही है सोशल मीडिया पर, कुछ तस्वीर आई, क्या जानते हैं आप उनको? नहीं, मैं उनको नहीं जानती, फोटोज आए हैं वो। तो फोटोज भेजे हैं वो, और बोल रहे हैं कि वो बहुत पावरफुल है और उसके हाथ में पुलिस है। अच्छा, हाँ किसके हाथ में? उस औरत के हाथ में। हाँ, पुलिस उसकी मुट्ठी में है, ऐसे बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मुझे। सोशल वर्कर है क्या वो? वो उतना मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, उतना मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिसके साथ शादी हुई उसकी तस्वीरें आपको भेजी हैं? भेजी भेजी है। और ना मेरा तलाक, किसके मोबाइल पे आई तस्वीरें? वो बड़े बेटे की, बड़े बेटे बाजी। ना मेरा तलाक हुआ है, ना वो मेरे सामने कभी तलाक करके बोले, ना कोर्ट से हुआ है, ना जमात से हुआ है। ये सब अफवाहें हैं, वो मैटर बनाए हैं, और ये सब लोग सब मिलके ना मेरे साथ साजिश कर रही है ऐसे, मुझे घर से बाहर निकालने की। हस्बैंड करते क्या? वो सेंट्रल GST में सुपरिटेंडेंट है। इनका एक्चुअली इनका मकसद क्या है, मुझे घर से बाहर निकालना, बाहर निकाल के दूसरी को लेके रहने का इनका मकसद है। इसकी वजह से इतना सब परेशान कर रहे हैं। आप क्या चाहती हैं इस वक्त? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे, मेरा और मेरे बच्चों का मुझे इंसाफ दिलाया, और उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दे। बहुत परेशान किए वो लोग। आप अभी कह रही थी कि इससे पहले भी कई बार आपके साथ ज्यादती की है, बहुत मारते थे, तो उस वक्त आप पुलिस थाने क्यों नहीं गए? जी, मैं 2018 में एक कंप्लेंट की थी, बहुत मारते थे वो। बोलते थे पत्थर लेके मैं तेरा सीरी फोड़ता हूँ, और हाथ में जो मिलता था औजार उससे मारते थे जी। और वो जो है ना घर में उनको मुझे मार धाड़ करना कौन सी उनको बड़ी बात नहीं है, बहुत मामूली। गाजर में थोड़ा कंकर भी आ गया तो भी मारते थे वो। तो उनको मारने के लिए मुझे मारना उनको जो है ना वो रोज़ का मामूल था। कुछ अभी कार्रवाई चली है, इसके बाद अभी मैं ये इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाओ। ये जो वीडियो है मेरे भाई को पापा ने थर्सडे को भेजा, और वो 5 दिन से गायब ही थे, हम लोग भी बहुत परेशान थे। वीडियो आने के बाद तो हम और भी फोटो आने के बाद में और भी हम परेशान हो गए, और अगले दिन फिर वो जब आकर मारा उन्होंने, तो तब तो मम्मी की हालत ही ख़राब हो गई। आप घर में थे? हाँ, मैं घर में था, जुम्मा का दिन था, तो मैं नहा रहा था, नहाते समय आवाज़ आने लगी मुझे, बाहर जाकर आने तक सभी कुछ हो गया था। वो हमें वही, अभी हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमको जो है कानूनी तौर से हमको इंसाफ चाहिए, और हमारी सेफ्टी चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, बच्चों की एजुकेशन का सब हमको चाहिए। ठीक है। 23 साल बार बीमार रहते थे उनका भी मैं बहुत की हूँ, मगर वो मुझे ना इज्जत दिए, ना मेरा लिहाज रखे, कुछ भी नहीं की हो, बेइज्जत हमको ऐसे छोड़ दिए हो। तो इसके लिए जो है ना हमको इंसाफ दिलाओ, बस इंसाफ की गुजारिश है। की कोशिश जिस दिन उन्होंने फोटोग्राफ्स भेजे उस दिन ही उनका फ़ोन आया था, तभी मैंने उठाकर बात की, वो कह रहे थे कि वो शाम को अगले दिन आने वाले हैं करके। फिर उतना सुनने के बाद मैंने फिर उनका फ़ोन उठाया ही नहीं, फिर वो हमारी टच में नहीं रहे, हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं रहे वो। फिर हाँ, अभी वो हमारे घर पर थे, वो पता नहीं कहाँ रह रहे वो अभी। तलाटी जाफर पीरजादी की खुदकुशी पर शहर में मुख्तलिफ राय देखी जा रही है, और ये आज चर्चा का मौजू भी रहा। आखिर जाफर पीरजादी को ऐसी क्या परेशानी या मसला था जिसे जाफर जैसा सेहतमंद शख्स खुदकुशी का फैसला करे, क्योंकि अक्सर लोग जाफर पीरजादी को जानते थे और इस तरह के फैसले पर ताज्जुब का इजहार भी किया जा रहा है। जाफर पीरजादी की बीवी रेशमा तालिकोटी केस अफसर है, और रेशमा तालिकोटी बेंगलोर सरकारी काम से गई हुई थी। इस वक्त जाफर पीरजादी ने खुदकुशी को अंजाम दिया है, पुलिस तफ्तीश जारी है, लेकिन शहर में तरह तरह की अफवाहें गश्त करती देखी गई।
खैरात लगी बटनी की तरह को कृषि कानून को जल्द वापस लेने का मुतालबा ऐवान में साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा। सरकार को घेरते हुए कहा कि महज मजहब धर्म की बुनियाद पर गोकृषि कानून को नाफिज किया गया, किसानों के कर्ज क्यों माफ नहीं किए जाते, जबकि सरकार बड़े बड़े कारोबारियों के कर्ज माफ करती रहती है और कुछ तो भाग भी जाते हैं। गाय के लिए महज 60 रुपए दिए जाते हैं। इस बात पर वजीर दाखिला अरग ज्ञानेंद्र ने कहा कि जानवर को बेच सकते हैं, तो इस पर सिद्धरामैया ने कहा कि जब कानून ही को मंजूर कर दिया गया है तो जानवर कौन खरीदेगा। किसानों के हालात पर बोलते हुए कहा कि जानवर नाकाम नाकारा हो जाए तो उन्हें बेच नहीं सकते, लिहाजा किसानों की ख़राब हालात को देखते हुए गोकृषि कानून को रद्द करने की मांग की गई। इतना तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि जानवरों की बढ़ती तादाद अब हुकूमत के लिए भी सरदर्द और मसला बनता जा रहा है। जारकीहोली हब्बाड़ कर तनाज़ा अब और आगे बढ़ता जा रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि पंचमशाली इजलास गोकाक में आज गोकाक से लक्ष्मी हब्बाड़ को ही बतौर उम्मीदवार खड़ा करने की बात कही गई। वाजह रहे कि गोकाक सिर्फ जारकीहोली का है, इस तरह का जो समीकरण पहले बना हुआ था अब कहीं हब्बाड़कर का बढ़ता सियासी कद जारकीहोली को चुनौती बनता जा रहा है क्या, ऐसा सवाल भी खड़ा किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಕ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ಅನ್ನಕತ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಕ್ಕ ಅಂತಂದು ಗೋಕಾಕ್ ನಿಲ್ಸು ಪಂಚಮಸಾಲಿ